हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हिंदी स्टूडेंट शो पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लेकर आए हुए हैं आईटीआई टेस्ट पेपर। इससे पहले हमारे 13 पेपर हो चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह आज की डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट से है, जिसमें कुल 500 वर्ड रहेंगे। डिक्टेशन चलेगी 5 मिनट तक और डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। रेडी स्टार्ट। मान्यवर, इस मंत्रालय पर जो चर्चा हो रही है, मेरी दृष्टि में यह काफ़ी गंभीर और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका संबंध सारी दुनिया की आधी आबादी से है। जहाँ तक हमारे देश का सवाल है, उसका संबंध 80% की आबादी से है, क्योंकि हमारा देश कृषि पर निर्भर है। पूरे देश की खाद्य समस्या से इस मंत्रालय का संबंध है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर जो भी सुझाव माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए हैं या दिए जाएंगे, उन पर मंत्री जी अवश्य ध्यान देंगे और उन पर उपयुक्त निर्णय लेंगे। पैरा महोदय, विश्व खाद्य संगठन ने इस वर्ष को हिंदुस्तान के लिए खाद्य उत्पादन की दृष्टि से बड़ा गंभीर वर्ष बताया था, लेकिन देश के किसानों ने, मजदूरों ने, इस देश की केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने वैज्ञानिकों के सहयोग से इस बात को साबित कर दिया है कि यदि हमारे देश के किसानों को आवश्यक सुविधाएं दी जाएं, तो वह किसी भी देश के किसान का उत्पादन के मामले में मुकाबला कर सकता है। इसलिए सरकार का यह पहला कर्तव्य है कि वह किसानों की हर तरह से सहायता करे। यह जरूर है कि इस वर्ष प्रकृति की भी काफ़ी कृपा हमारे ऊपर रही है, लेकिन हमेशा से वह कृपा बनी रहेगी यह कहना संभव नहीं है। इसलिए इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए आत्मनिर्भर होने के कारण कौन से कदम उठाने चाहिए, इसकी ओर किसी मंत्रालय को विशेष ध्यान देना चाहिए। पैरा महोदय, सिंचाई के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है, मैं इस मंत्रालय का ध्यान विशेष रूप से इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि हमको अपनी गति बढ़ानी पड़ेगी। जो हमारी सिंचाई की योजनाएं हैं, उनको हमें शीघ्र पूरा करना होगा। समय हमारा इंतजार नहीं करेगा, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि अनेक राज्यों ने पहले की स्वीकृत योजनाओं को पूरा किए बिना कई नई योजनाएं हाथ में ले ली हैं, जिससे उनको पूरा करने की गति धीमी होती जा रही है, क्योंकि उनके लिए पैसे की कमी हो जाती है। अगर प्रकृति हमारा साथ ना दे, तो हमारे देश पर भारी मुसीबत आ सकती है। इसी मुसीबत से बचने के लिए हमारी प्रधानमंत्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम में सिंचाई को भी सम्मिलित किया है। पैरा, मैं विशेष रूप से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यह मांग राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि यह मांग आर्थिक विकास की मांग को पूरा करने के लिए है। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में उल्लेख किया है कि आज़ादी के बाद देश में भाषा को ध्यान में रखकर राज्यों का पुनर्गठन हुआ है, मैं उनको बतलाना चाहता हूँ कि उस समय भाषा मुख्य बात थी और उस समय उठाया गया वह कदम स्वाभाविक भी था। एक भाषा जानने वाले लोग एक प्रशासनिक इकाई में रहें,
इससे उनका विकास सरल होता है, उनकी सांस्कृतिक पहचान उन्नत होती है। इस बात को बहुत समय बीत गया कि छोटे राज्यों के निर्माण के सवाल पर सदन में गंभीरता से विचार करना चाहिए। फुल स्टॉप, फ्रेंड्स, डिक्टेशन होती है समाप्त। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।